हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम ये सब मेनू बनाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो ये मेनू के अंदर सब मेनू कैसे बनाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, और उसका मैं नाम दूंगा इंडेक्स के नाम से। तो यहाँ पे ये सब ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इस जो हमने अपलोड करी थी इस साइट को, न्यूज़ प्लस के नाम से जो हमारा था ये थीम, हमने इसको करा था, तो ये बाय डिफॉल्ट है। मैं आज आपको यहाँ पे नया बना के दिखाऊंगा किस तरह से हम इसको सब मेनू बनाते हैं, या इंडेक्स इसको हम कह सकते हैं। तो चलिए अब हम काम करते हैं इसके ऊपर। तो हमें इसके यहाँ पे लेआउट में हम जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा मेन मेनू के अंदर, और मेनू के अंदर जाने के बाद मेन्यू के यहाँ पे है लिंक लिस्ट, इस पर हम जाके इसके अंदर हम जाएंगे। तो ये सब इसके बाय डिफॉल्ट है, इसमें आप रीनेम कर सकते हैं या और कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको नया बना के दिखाऊंगा यहाँ पे जो नहीं है यहाँ। तो मैं इसका नाम देता हूँ इंडेक्स, ठीक है? आप जो चाहें जिसके ऊपर बना रहे हो आप यहाँ पे दे सकते हैं उसको। तो मैं एक ये बनाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे से स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे ये आएगा एम्प्टी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जो भी नाम देना हो, जो बनाना हो, मैं इंडेक्स का दे रहा हूँ, इन डेस्क के नाम से ये बना रहा हूँ। और यहाँ पे इंडेक्स का पेज है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दें और इसको सेव करें, और यहाँ जाके इसको सेव एज कर सेव कर लें ये, और फिर यहाँ पे भी आपको सेव करना होगा। यहाँ सेविंग हो रही है, तो ये हो चुकी है। अब मैं इसको देखता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स आ गया। तो अगर आप इंडेक्स आपने बना रखा है पेज इंडेक्स का, जो हम पेज बनाते हैं यहाँ पे, ये जो पेज बनाते हैं वो अगर आपका है तो आप यहाँ लिंक दे सकते हैं वहाँ पे। अब मैं इसके अंदर बनाऊंगा इस तरह से सब फोल्डर, ठीक है? तो वो देखिए कैसे बनते हैं। पहला हमें ये बनाना होगा, फिर हम यहाँ जाएंगे लेआउट पे, और यहाँ आ गए हम अंदर। तो हमारी ये जो है, अब हमें इसके ऊपर काम करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ जाएंगे आप, ये देखिएगा यहाँ पे आपने खाली इंडेक्स दिया है, और यहाँ आप फिर से ऐड करेंगे, फिर नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपने दिया इंडेक्स के अंदर। तो आपको ये शिफ्ट द प्रेस करके, और एक बार ये माइनस का जो होता है इसमें, जो स्लैश के होता है इसमें, इसको कर देंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे चैप्टर 1, ठीक है? अब आपका जो भी चैप्टर 1 होगा उसका लिंक आप यहाँ दे देंगे पेज का, और उसके बाद आप इसको यहाँ सेव करेंगे, और फिर आप इसको सेव कर देंगे, और उसके बाद एक बार यहाँ पे आप सेव करेंगे। तो यहाँ पे ये सेविंग हो रहा है, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा वन बाय वन, इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैं आपको। अब मैं इस पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप ये देख रहे हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसके अंदर ये देखिए, इसमें एरो बन के आ गया और ये चैप्टर आ गया इसके अंदर। तो आप जितने चाहे चैप्टर इसमें दे सकते हैं, 1 से लेके 10, 5, जितने आप चाहें इसमें दे सकते हैं, 1 to 10, 1 to 20, जितने भी आपके चैप्टर हो दे सकते हैं। अब चैप्टर के अंदर क्या होते हैं, लेसन होते हैं, लेसन, ठीक है? तो पहले मैं चैप्टर बनाऊंगा, ठीक है? इस चैप्टर के अंदर मैं लेसन दूंगा, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो कैसे देते हैं इसमें, तो फिर हम यहां पे आएंगे ये इस पे मेन मेन्यू पे, और यहां पे मैंने ये दे दिया। अब मुझे इसके अंदर और चैप्टर बनाने हैं, तो मुझे चैप्टर के अंदर आपको लेसन बनाने, तो लेसन कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे गए और यहाँ डाउन करा, और आपको शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो माइनस वाला होता है कि वो आप प्रेस करेंगे 2 बार। यहाँ पे चैप्टर में आपने 1 बार करी है, और मेन्यू में आपने खाली इंडेक्स में आपने कुछ नहीं करा था, इसमें आपको 1 बार करना होगी। अब जब 1 बार इसमें माइनस शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे ये, तो इसमें 1 बार में ये आ जाएगा। इसके अंदर मैंने सब फोल्डर बनाया, अब मैं इसका सब फोल्डर बनाऊंगा। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्रेस करके 2 बार माइनस का प्रेस करना होगा, और उसके अंदर आप जाके लिख देंगे
लेसन वन कर सकते हैं लेसन, और उसके बाद या आपको जो लेसन वन का पेज होगा वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, और इसके बाद आप सेव करेंगे और फिर आप यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ जाके आप सेव करेंगे, यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये अब मेरा हो गया, यहाँ मैं जाके आपको ये दिखा रहा हूँ, सिर्फ दो ही आ रहे हैं, लेसन नहीं आ रहा चैप्टर वन का। तो मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो आप ये देखिए यहाँ पे लेसन आ गया, लेसन के अंदर वो सॉरी इंडेक्स आ गया, इंडेक्स के अंदर चैप्टर वन के अंदर आपका लेसन वन आ गया। अब यहाँ पे आप लेसन टू थ्री फोर फाइव जितने भी लेसन हैं आप दे सकते हैं, मैं इसमें थ्री लेसन बनाता हूँ, ठीक है। एक चैप्टर के अंदर थ्री लेसन, तो लेसन्स हो गए इसके अंदर थ्री, तो हमें थ्री बनाने। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आप जाएंगे एड अ न्यू और फिर आपको बनाना है लेसन टू, तो आपको शिफ्ट के साथ दो बार ये प्रेस करना है और आपको यहाँ पे लेसन टू दे देना है, और उसके बाद आपको ये सेव कर देना है। फिर आप जाएंगे ऐड के अंदर और यहाँ पे जाके आपको शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के बाद दो बार दबाना है ये, और उसके अंदर आपको लिखना है लेसन थ्री, और यहाँ पे उस लेसन थ्री का आप लिंक दे देंगे और इसको सेव कर लेंगे। वो भी मैं दिखाऊंगा लिंक कैसे देते हैं। तो एक और बनाते हैं, लेसन फोर बनाते हैं हम। फिर हम ऐड में गए और यहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट को दबाएंगे, दो बार माइनस करेंगे और फिर आप यहाँ पे लिख देंगे लेसन फोर। तो आप जितने चाहें लेसन बना सकते हैं, जितने चाहें चैप्टर बना सकते हैं। आपको जब चैप्टर को बनाना होगा, खाली आपको चैप्टर बनाने हैं, तो आप ये देखिए इसमें हो गया, मैं चैप्टर आपको और भी दिखाऊंगा बना के। यहाँ जाके हमें सेव करना है, यहाँ पे आपका चैप्टर लेसन फोर का जो भी लिंक हो वो दे दिएगा, तो यहाँ जाएंगे आप, इसको सेव कर लिए। अब आपके ये लेसन फोर बन चुके हैं, यहाँ जाके आपको सेव करना पड़ेगा। ये सेविंग पे थोड़ा सा वेट करना है, हो गया है। अब आप ये देखिए यहाँ पे चैप्टर है, लेसन वन आ रहा है। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैंने इस पे थ्री लेसन ऐड करे, तो ये देखिए इसमें ये आपके लेसन आ गए। जब आप इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर आपको लिंक दिखाता हूँ, तो अभी आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो नहीं ओपन होगा, तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये ओपन नहीं होता, ठीक है, इस तरह से आ जाता है पेज। अब मैं आपको लेसन फोर का लिंक दे देता हूँ। अब जैसे मेरी कोई ब्लॉग है या कुछ भी है, चलिए सपोज करिए एक मैं पेज बनाता हूँ, यहाँ पे मैं गया, एक पेज मैंने बनाया, मेरी वीडियो के अंदर है, अगर आपसे पेज बनाना नहीं आता है तो आप देख सकते हैं, ये तो कोड है। और यहाँ गया मैं, इसको यहाँ से मैंने कॉपी करा और यहाँ जाके मैं पेस्ट कर दूंगा ये, और यहाँ मैंने लिख दिया मेरा है लेसन फोर, ठीक है। लेसन ये हो गया मेरा फोर, और यहाँ पे भी आप ऊपर भी लिख सकते हैं लेसन फोर। तो आपको इस तरह से पेज बनाने पड़ेंगे, ये आपका बन गया है। अगर आपको यहाँ पे कोई इमेज देनी है तो आप यहाँ पे जाके, ये सब मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से हम इमेज को करते हैं इसमें। यहाँ आप जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आपको जो भी इमेज लगे आप ये डाल दिए, तो मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पे, और इसकी इमेज ये आपको सेंटर में लेना है, बड़ी करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं, लार्ज करनी है आपको, राइट लेफ्ट करना है आप यहाँ कर सकते हैं, इसमें करना है बीच में, अगर या इस तरह से आ रही है तो इसको हम जाके यहाँ पे पब्लिश करेंगे कंफर्म। लेसन फोर का मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया, ये पेज हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर, ये आपका लेसन फोर का है, इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ आप जाएंगे फिर लेआउट में, लेआउट में जाने के बाद आपका मेन मेनू लिंक लिस्ट, और यहाँ आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और जहाँ पे आपको जो लेसन बनाया है वहाँ जाके आप इस पे जाएंगे और यहाँ जाके इसको रिमूव करके और यहाँ आप पेस्ट कर देंगे अपना लेसन और इसको सेव कर देंगे, और सेव के बाद फिर सेव करेंगे और एक बार हम यहाँ पे सेव करेंगे, तो यहाँ सेविंग हो रहा है। मैं आपको अभी और दिखाऊंगा चैप्टर, मेरी वीडियो तो 9 मिनट की हो गई है।
तो मैं और लोगों के लिए और लोगों की तरह वीडियो नहीं बनाता कि थोड़ा सा शॉर्ट में समझ में भी नहीं आता, तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ कि लेसन फोर खुलता है नहीं खुलता। यहाँ गए, लेसन फोर मैंने बनाया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लेसन फोर का पेज आ गया। यहाँ मैं यहाँ जाता हूँ, कुछ नहीं है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, लेसन फोर खुला नहीं, ये लेसन फोर आपका खुल गया है, 100% काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर वन है, आपको चैप्टर टू बनाना है, कैसे बनाएंगे। आप यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद आपको चैप्टर टू देना है। सब देख लिया इसके अंदर कि मैंने इंडेक्स बनाया, फिर चैप्टर वन बनाया, अब मैं बनाने जा रहा हूँ चैप्टर टू। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप यहाँ जाएंगे ऐड अ न्यू, और यहाँ जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे एक बार माइनस को यूज करना है शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ आप माइनस साइन को यूज करेंगे कीबोर्ड से अपने, तो आपका ये एक बार आपको करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा चैप्टर टू। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर टू यहाँ पे, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर टू कहाँ जाता है ये, और यहाँ पे आप सेव कर दिए। ये आपका इंडेक्स आ गया, इंडेक्स के अंदर चैप्टर वन आ गया, लेसन आ गए चैप्टर टू, इसमें कोई लेसन नहीं बनाया हमने। तो ये आप इस तरह से बना सकते हैं, देखिए। तो आपके ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार और आपको बता दूं, लिंक आप जब भी यहां पे जाएंगे ऐड पे, और यहां नीचे जाएंगे, और अगर आप खाली ये लिखेंगे, जैसे सपोज करिए आपने करा टाइगर, अगर आप ये करेंगे लिखेंगे तो ये वाला बन के आएगा जो इंडेक्स है, ठीक है। और अगर आपने इसमें एक शिफ्ट के साथ माइनस लगा दिया से पहले, तो इंडेक्स के अंदर जो चैप्टर वन आ रहा है ये बन के आएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपने अगर दो बार शिफ्ट के साथ माइनस साइन को प्रेस कर किया आपने कीबोर्ड से, तो फिर इसके अंदर ये लेसन वाला आ जाता है। तो एक जब सिंगल हम लिखते हैं तो हमारा इंडेक्स आता है, और माइनस जब शिफ्ट के साथ हम दबाते हैं वन टाइम, तो हमारा ये बन के आता है, और जब हम शिफ्ट के साथ दो बार माइनस को प्रेस करते हैं तो हमारा ये सब फोल्डर के अंदर सब फोल्डर आ जाता है। तो इसके अंदर नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, ये कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मेरा चैप्टर हो गया है, अब मैं चैप्टर के अंदर बनाता हूँ। तो मुझे शिफ्ट के साथ दो बार दबाऊंगा और यहां पे कर दूंगा लेसन लेसन ए, और इसको सेव कर दूंगा, और उसका जो लिंक हो वो आप यहां पे दे दिएगा यहां जाके। और फिर अब हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर जाएंगे, अब हम यह लेसन दे देंगे। दो बार शिफ्ट के साथ आपको दबाना है, और यहां पे हम दे देंगे लेसन बी, ठीक है। और जो लेसन बी हो उसका लिंक आपको यहां देना है, और फिर हम एक बनाते हैं, और यहां पे हम दो बार शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करते हैं, और यहां लिखते हैं लेसन सी, ये हो गया। और यहां पे आप उसका लिंक दे दिएगा, और ये मैंने सेव कर दिया। तो अब आपको इंडेक्स या सब मेनू बनाने हैं तो बहुत इजी हो गया होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, अभी आप देखिए इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसके अंदर चैप्टर टू के भी लेसन ऐड हो जाएंगे। ये देखिए ये वन के हैं, और ये ए बी सी मैंने बनाया था इसमें, तो इस तरह से बनते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और चीज़ें इसके अंदर किस तरह से हम काम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।